गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एक्सरसाइज 9.3। 9.3 में क्वेश्चन नंबर है 28। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 को कैसे सॉल्व करेंगे, क्या प्रोसेस है वो सबसे पहले देखेंगे। करेंगे दो संख्याओं का योगफल, उनके गुणोत्तर माध्य का छेद गुना है। ठीक है, इसका मतलब दो संख्याएँ मान लेते हैं, एक संख्या ए दूसरी संख्या है बी, उन जिनका योगफल ए प्लस बी वो गुणोत्तर माध्य कितना अंडर रूट ए बी का 6 गुना है। क्लियर है कि नहीं, ये हमने ऐसे लिख दिया ए प्लस बी इक्वल टू 6√ab। हमको ए और बी पता होना चाहिए, उसके बारे में क्वेश्चन मतलब आंसर हो जाएगा। ठीक है, ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहली बात यहाँ पे रूट है तो रूट लगा हुआ है, जिसका मतलब हमको यहाँ पे रूट को हटाना पड़ेगा। ठीक है, रूट को हटा देते हैं तो हम लोग क्या कर दें, ए दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 36ab। ओके, ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू 36ab, ये तो बनेगा। ठीक है, इसको अब हमारा काम क्या रहेगा, यहाँ से अगर देख लिया जाए, ये हमने चीज लिख दिया। ठीक है, एक बात और समझें, ए प्लस बी चाहिए हमको, सीधा ए प्लस बी चाहिए। ए प्लस बी कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी, ये ए प्लस बी समीकरण नंबर एक ये बन गई। ठीक है, हमको ए माइनस बी अब निकाल लेते हैं, तो ए माइनस बी कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ठीक है, और हम लोग क्या करें, प्लस 2ab से गुणा करवा दें, माइनस 2ab से प्लस 2ab जोड़ दें और माइनस 2ab से हम लोग इसको जोड़ दें। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, मतलब 2ab एक बार जोड़ देते हैं एक बार घटा देते हैं। ठीक है, ये जाएगा 36ab। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए स्क्वायर ये वाला टर्म ये वाला पास में कर लेते हैं, तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab इक्वल टू ये 4ab होगा, 4ab उधर चला जाएगा, तो ये कितना जाएगा 32ab हो जाएगा। ये कितना बन जाएगा, a माइनस बी का होल वर्ग इक्वल टू 32ab। 32ab को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से अगर देख लिया जाए तो ये वैल्यू बन जाएगी 16 × 32, तो 4√2ab। ठीक है, क्योंकि हमको पता है a माइनस बी, ये हमने ऐसे कर दिया, a माइनस बी अंडर लगा हटा दिया, यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, ये बना a माइनस बी इक्वल टू 4√2ab। ये बात फिर से समझे, ये ऐसे बनेगा सिचुएशन। ठीक है, अब हमारा काम क्या रहेगा, देख लेते हैं कि एक बार फिर से देखें, ये अंडर रूट है तो 16 × 32 होगा। ठीक है, तो 16 × 32 तो 4 तो बाहर हो जाएगा, √2ab बचेगा। ठीक है, √2ab साथ में। ठीक है, अब हमारा काम क्या रहेगा, देखें कि इसको कुछ करना पड़ेगा। देखें, ये इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई। ठीक, तो समीकरण एक व दो को जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, देखें a प्लस बी इक्वल टू 6√ab। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, a माइनस बी इक्वल टू 4, यहाँ पे आ जाएगा √2ab। ठीक है, यहाँ से जोड़ देंगे तो ये b से b कैंसिल, तो 2ab इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा हमारे पास, ये यहाँ से जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 6 × 4 = 10। ठीक है, और यहाँ से बनेगा 6 × 4 = 10। ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास कितना, रूट का, सॉरी इसको ऐसे लिखो, 10 कहाँ से जाएगा, सब अलग अलग वैल्यू हैं, इसका अंदर क्या हो जाएगा, ये बनेगा हमारे पास 6√ab और प्लस का 4√2ab। ठीक है, अब हमारा काम क्या रहेगा, यहाँ से इसको घटा मतलब वो कर दें, डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करेंगे तो a इक्वल टू कितना बनेगा, 3√ab प्लस 2√ab। ठीक है, ये चीज़ निकल के आई, a की वैल्यू ये निकल के आई है। ठीक है, अब हमारा काम क्या रहेगा, b की वैल्यू अगर चाहिए तो b की वैल्यू क्या निकलेगी, यहाँ से देख लेते हैं। अब समीकरण एक व दो को हम लोग क्या कर दें, समीकरण एक व दो को
यहाँ पे घटा देते हैं, पहले जोड़ दिया घटा दिया, तो यहाँ पे देखें तो a माइनस बी ए प्लस बी इक्वल टू सिक्स रूट ए बी। यहाँ पे क्या हो जाएगा a माइनस बी इक्वल टू फोर रूट टू ए बी। ठीक है, यहाँ से क्या कर देते हैं हम लोग, इसको घटा देते हैं, माइनस प्लस माइनस, तो ये यहाँ से देखें a से कैंसिल, तो टू बी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बनेगा हमारे पास इतना सिक्स रूट ए बी, और माइनस का ये देगा फोर रूट टू ए बी। ठीक है, तो इसका मतलब b की वैल्यू जो निकल के आएगी यहाँ से, तो b की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, हो जाएगी रूट का थ्री रूट ए बी और माइनस टू रूट टू ए बी। बोलो, यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब मेरा कार्य क्या होगा कि बी ए अपान बी चाहिए। ठीक है, संख्याओं का अनुपात मतलब ए अपान बी, तो ए की वैल्यू क्या है, ए अपान बी चाहिए ना, तो ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू ये है थ्री रूट ए बी और प्लस टू रूट टू और इंटू रूट ए बी, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। बोलो, अपान यहाँ पे थ्री रूट ए बी माइनस टू रूट टू रूट का ए बी, बात एक ही तो है। तो हमारा काम क्या रहेगा, ऊपर से रूट ए बी कॉमन ले लें, संदर्भ क्रम चलेगा थ्री प्लस टू रूट टू अपान रूट ए बी कॉमन ले लें, कितना आ जाएगा थ्री माइनस टू रूट टू, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए अपान बी, ए अपान बी कितना निकल के आया, ए अपान बी आ रहा है थ्री प्लस टू रूट टू रेशियो थ्री माइनस टू रूट टू। हमको देखो यही प्रूफ करना था। ठीक है, ये आंसर निकल के आ गया। कैसे करना है, क्या चीज़ें बन रही हैं, वो सब बेहतर रूप से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ नया नहीं है, सब पुराना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट है एलजेब्रा का। ठीक है, आप इसमें जैसे नाइन्थ और हाई स्कूल में क्वेश्चन को सॉल्व करते थे, ए और बी की वैल्यू इक्वेशन बना के सॉल्व कर देंगे और वैल्यू आपके सामने हो जाएगी। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 29। देखो क्वेश्चन नंबर 29, देखो क्या दे रखा है, दे रखा है यदि ए तथा जी दो धनात्मक संख्याएं या संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य हो तो सिद्ध करो कि
संख्याएं a प्लस माइनस अंडर रूट a प्लस जी और a माइनस जी है। कह रहा है कि यदि a तथा g दो धनात्मक संख्याओं के बीच गुणोत्तर माध्य तथा गुणोत्तर समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य हैं, तो सिद्ध करो कि संख्याएं a प्लस माइनस अंडर रूट जी ए प्लस जी और ए माइनस जी हैं। ठीक है, यही चीज़ दे रखी है। उसके बाद में क्या दे रखा है, ये प्रूव करना है हमको। ठीक है, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे देख लेते हैं। हमारा काम क्या रहेगा कि सबसे पहली बात, ए तथा जी दो धनात्मक संख्याएं के बीच क्रमशः ए तथा जी दो धनात्मक संख्याओं के बीच क्रमशः समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य तथा गुणोत्तर माध्य हो तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं कि एक संख्या ए और बी, ऐसे संख्याएं हैं। ठीक है, तो हमारा काम क्या रहेगा कि ए की अगर वैल्यू अगर निकालें तो ए की वैल्यू क्या निकलेगी, ए प्लस बी बाई टू बनेगा। और जी की अगर वैल्यू अगर निकालें क्या बनेगी, तो जी की जो वैल्यू निकल के आएगी वो निकल के आएगी कि यहाँ पर कितना, अंडर रूट ए बी बनेगा। ठीक है, वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। ठीक है, वैल्यू अगर जब रखेंगे तो हम देखेंगे क्या कि ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ए प्लस बी बाई टू प्लस माइनस अंडर रूट ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ए प्लस बी, पहले बार इसकी मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। ठीक है, इसकी अंदर मल्टीप्लाई करवा लें इस वाले टर्म की, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ बनेगा ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस ए जी प्लस जी ए, ठीक है, माइनस जी स्क्वायर, मतलब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो ए प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, तो ए की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, ए प्लस बी बाई टू, तो प्लस माइनस अंडर रूट ए की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी बाई टू का होल वर्ग माइनस, यहाँ से देख लिया जाए इसके बाद जी की वैल्यू कितनी है, जी की वैल्यू है ए और बी। ठीक है, यहाँ से अगर देखा जाए तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा a प्लस बी बाई टू एक प्लस माइनस अंडर रूट, ये बनेगा सिचुएशन में कितना, a प्लस बी मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी माइनस का 4ab और अपान में कितना वैल्यू दे देगा, रूट टू। ठीक है, सॉरी 4 बनेगा, यहाँ पे 4 बनेगा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि a प्लस बी बाई टू प्लस माइनस a माइनस बी अपान 2 बनेगा। ठीक है, एक बार प्लस लेने पर ठीक है, तो हो जाएगा a प्लस बी बाई टू और प्लस a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे क्या कि b से b कैंसिल, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, वैल्यू हो जाएगी 2a बाई टू, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास कितना, a। ठीक है, और उसके बाद में b एक बार माइनस करने पर, ठीक है, तो यहाँ से अगर माइनस करेंगे तो वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी देख लेते हैं। तो माइनस करने पर हम देखेंगे क्या कि a माइनस बी मतलब a प्लस बी माइनस a प्लस ये हो जाएगा b बाई टू, तो यहाँ से वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से बनेगा कितना,
टू बी बाई टू और इक्वल टू बी। तो क्वेश्चन को जो है हम लोग इसी प्रकार सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ए और बी निकल के आ रहा है, ठीक है, ए और बी, तो दोनों चीज़ें ए और बी हमने माना था वही संख्याएं बन रही नहीं बन रही, ठीक है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को बना सकते हैं। यदि कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पहुँचें, कमेंट करें, ठीक है, उस डाउट को क्लियर करवा दिया जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।